क्रिकेट में आपने T20 के बहुत मुकाबले देखे होंगे, लेकिन राजनीति की पिच पर T30 का मुकाबला चल रहा है। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आने हैं, 2 में 30 का आंकड़ा पार करते सरकार बनेगी, 1 में 31 का। और आप देखिए त्रिपुरा में इस वक्त वो आंकड़ा CPM पार करती दिख रही है, कांटे की टक्कर के बावजूद। शुरुआती रुझान अभी ये बता रहे हैं कि CPM वहां सरकार बना लेगी या बचा लेगी कहिए, क्योंकि माणिक सरकार वहां CPM वहां 25 साल से है और माणिक सरकार लंबे वक्त से वहां पर सत्ता में काबिज है। बीजेपी गठबंधन 26 पर है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है और ये अभी उलटफेर की संभावना यहां पर है। मेघालय में 60 सीटें, कांग्रेस 18 पर वहां पर, बीजेपी 6, NPP 13। संभव है कि नतीजे अगर स्पष्ट बहुमत के तौर पर नहीं दिखे कांग्रेस के पक्ष में तो बीजेपी NPP 7 आ सकते हैं, तो दोनों का आंकड़ा मिलाइए तो वो 19 पर, कांग्रेस 18 पर है। नागालैंड में 60 सीटें हैं, NPF 24 पर है, बीजेपी गठबंधन 26 पर। यहां जो 31 हासिल करेगा वो सरकार बनाएगा, यानी तीनों जगह ही कांटे की टक्कर। तीनों जगहों पर बीजेपी के लिए बड़ी बात यह कि वो पिछली बार यहां कहीं नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार बनाने के बेहद करीब तीनों जगहों पर दिख रही है। त्रिपुरा में अभी कह नहीं सकते कि यह सपना उसका पूरा होगा या नहीं, लेकिन शून्य से 26 तक पहुंचना भी बीजेपी के लिए बड़ी बात है, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं। अजय जी मुझे एक बात बताइए, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, हमारे साथ कुमार सोनू हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बीजेपी ऑफिस से। कुमार सोनू, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त क्या रिएक्शन है जो नतीजे दिख रहे हैं या रुझान दिख रहे हैं उसको लेकर? देखिए बीजेपी के अभी हालांकि पक्ष में जो रुझान नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो टक्कर है वो बराबर की चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। हालांकि CPM ने भी साफ कर दिया है कि वो पार्टी की तरफ से जो औपचारिक बयान है वो जो नतीजे आएंगे उसके सामने आने के बाद ही दिए जाएंगे, साफ होने के बाद ही दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से कांटे की टक्कर चल रही है और बीजेपी नेताओं का दावा लगातार ये है कि वो त्रिपुरा में चुनाव जीतेंगे और बाकी 2 राज्यों में भी जो है कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनाएंगे। हालांकि एक राज्य में कांग्रेस बढ़त पर है फिलहाल, लेकिन जो दूसरे राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पर जो बीजेपी का गठबंधन है जिन पार्टियों के साथ, वो तमाम गठबंधन जो है वो आगे चल रहे हैं। जी ठीक है, एक सुधार मैं कर दूं, सोनू जो है वो CPM दफ्तर के बाहर है, बीजेपी दफ्तर के बाहर नहीं है। अजय जी जो हम चर्चा कर रहे थे त्रिपुरा की खासतौर पर, क्योंकि सबसे बड़ा उलटफेर वहीं पर होता हुआ दिख रहा है और लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम माणिक सरकार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि वो जो है देश को एक बड़ी भ्रष्टाचार मुक्त और साफ सुथरी छवि वाली सरकार दे रहे हैं। माणिक सरकार के लिए भी यही कहा जाता है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति, उन पर कोई आरोप नहीं है और ना उनकी सरकार पर इस तरीके का कोई आरोप है, फिर भी वो साफ सुथरी छवि को लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती भी क्यों दिख रही है? त्रिपुरा की जो स्थानीय राजनीति थी उसमें बहुत सारे इफेंट बैठ थे और बहुत सारी नई कोई आरोप नहीं है और ना उनकी सरकार पर इस तरीके का कोई आरोप है, फिर भी वो साफ सुथरी छवि को लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती भी क्यों दिख रही है? त्रिपुरा की जो स्थानीय राजनीति थी उसमें बहुत सारे इफेंट बैठ थे और बहुत सारी नई परमिनिस्ट्रेशन और कम्बिनेशन का खेल वहां चला है। गण मुक्ति परिषद CPM की एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल एरिया में काम करती है और आपको पता है त्रिपुरा में 30% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें 20 सीट आज भी ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस पूरे रिजल्ट में। अभी रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि कहां से क्या हुआ है, ट्राइबल किधर किस तरफ डाइवर्ट हुआ है। आरएसएस की लगातार वृंदावन करात इस वक्त कुछ कह रही है वो सुन लेते हैं। सुनने को मिलता है कि कोई ना कोई हिंसा, राजस्थान मनुवाद हिंदुत्व का सबसे बड़ा मिसाल है और ये प्रयोगशाला है हिंदुत्व मनोवादी, और ये दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है ये पूरी तौर पर बीजेपी आरएसएस की सरकार की ये विफलता कहो या सफलता कहो। कुछ सीट यहां हमने भी अपेक्षा नहीं की है, वहां भी हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए लगता है कि अंतिम रिजल्ट त्रिपुरा में बीजेपी के पक्ष में अच्छा रहेगा। और हमारे लिए खुशी की बात है कि नागालैंड में भी हमारा अलायंस अच्छा कर रहा है। मेघालय का रिजल्ट में एक स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पिछड़ा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट का कुल मिलाकर तीनों रिजल्ट्स हमारे पार्टी के लिए और राज्यों के लिए और देश के लिए अच्छा ही रहेंगे। राम माधव को आप सुन रहे थे, उन्हें उम्मीद है कि
उनकी सरकार या बीजेपी की का जो परफॉर्मेंस है वो तीनों राज्यों में बेहतर रहेगा। अजय जी, आप जो बात कह रहे थे उसको पूरी कर लें, और जिसकी हम अभी वृंदा करात को भी सुन रहे थे, चुनावी नतीजे जो हैं वो त्रिपुरा के आ रहे हैं लेकिन वो राजस्थान की बात कर रही हैं, क्या ये जो इस वक्त की स्थिति है उससे खुद को अलग रखना लेफ्ट के लिए घातक साबित हो रहा है देश की राजनीति में? नहीं, अभी जिस तरह से जो ये चैलेंज है त्रिपुरा जैसे राज्य में बीजेपी का इस तरह से इतनी सीट के साथ आगे आना, निश्चित तौर पे एक वैचारिक लड़ाई भी आने वाले टाइम में भारत की राजनीति में होने वाली है। जिस तरह से लेफ्ट और राइट की एकदम एक्सट्रीम दो विचारधाराएं त्रिपुरा में लड़ रही हैं और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई में बीजेपी को एक अच्छी पकड़ और बहुमत मिली है, बहुमत तो नहीं कहेंगे लेकिन निश्चित तौर पे उसको एज मिली है, तो उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे देश की जो लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियों के लिए एक चिंतन और मनन का जरूर ये विषय रहेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में कि कैसे वो अपने वैचारिक आधार को आधार पर मजबूत भी रखें और साथ में देश की लड़ाई में जिस सांप्रदायिक लड़ाई की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष वर्सेस सांप्रदायिकता की, उसमें कैसे एक गठजोड़ बनाए जिसमें कि सिर्फ अपने अलग होकर के सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति से काम अब नहीं चलेगा, आप एक ग्रैंड अलायंस इनको बनाना पड़ेगा। त्रिपुरा में वैसा अलायंस नहीं दिखा और उसका कहीं ना कहीं नतीजा है। हालांकि मानिक टैगोर जैसा कि आप सुशांत जी अभी बोल रहे थे, निश्चित तौर पे उनकी छवि बहुत अच्छी है, सारे छवि अच्छी होने के बाद 20 साल से वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, पिछले 4-5 वर्षों में नौजवान जो नई पीढ़ी आई है वो मोदी जी के भी बहुत सारी चीजों को देख रही है, प्लस वहां की स्थानीय राजनीति में एक जो स्थानीय एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो अपनी इच्छाएं हैं वो जिस तरह से पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं पूरी हो पाई, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह के एजेंडे भी दिए। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं चर्चा में भी कर रहा था, गन मुक्ति परिषद जिस तरह से आरएसएस काम करती है उस तरह से सीपीएम का ये विंग है जो एसटी क्षेत्रों में ट्राइबल क्षेत्रों में काम करती रही है अभी तक, लेकिन गन मुक्ति परिषद अब धीरे धीरे कमजोर हुई है और उसका नतीजा कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में आरएसएस ने अपने वॉलंटियर के माध्यम से उन लोगों के बीच पकड़ बनाई है, उसी पकड़ का नतीजा है कि 26 सीट पर भाजपा वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। जी, जो हम त्रिपुरा के नतीजे देख रहे हैं, क्या ये इस बात के भी संकेत हैं कि केरल में भी लेफ्ट को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है? और जो बीजेपी दावा कर रही है कि केरल में हम वहां पर मौजूद हैं और सिर्फ यूडीएफ और एलडीएफ नहीं है, वो तस्वीर भी हो सकती है? केरल तो उजरी है, तो देखिए कांग्रेस वहां अभी भी बहुत मजबूत है और उसके साथ में मुस्लिम लीग जो है जो कांग्रेस को असली ताकत देती है, वो गठबंधन बहुत मजबूत है, वो लेफ्ट के विरोध में प्रमुख गठबंधन वही रहेगा। देखिए बंगाल में जिस तरह से सीपीएम पूरा वाम मोर्चा नीचे गिरा है और उसकी जगह भाजपा ले ली है, उसका प्रतिबिंब कहीं न कहीं त्रिपुरा में भी दिखाई दे रहा है। और त्रिपुरा की राजनीति जैसा कि आप जानते हैं कि बंगालियों की संख्या वहां बहुत अधिक है, तो शायद उसका प्रतिबिंब कुछ वहां भी दिख रहा है। लेकिन इस समय देखिए कई राज्यों में फेरबदल हो रहा है। संजय हमारे सहयोगी बीजेपी कार्यालय से जुड़ रहे हैं, उनके साथ कोई नेता भी हैं। संजय, वहां पर क्या रिएक्शन है, क्या आप बता सकते हैं? मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं सीधे बात करूंगा सुदेश जी से। सुदेश जी, जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, क्या लगता है आपको त्रिपुरा में सरकार बनाने में कामयाब होंगे? वहां नेक टू नेक चल रहे हैं अभी आप? हम उम्मीद करते हैं कि त्रिपुरा में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेगेटिव पॉलिटिक्स के कारण, क्योंकि कांग्रेस वहां अपने को जिताने के लिए नहीं लड़ रही थी, वहां बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है, इसलिए लगता है कि कांग्रेस का बहुत मैसिव वोट ट्रांसफर जो है लेफ्ट को हुआ है और ये नेशनल नैरेटिव पर भी इम्पैक्ट करेगा। जो कांग्रेस पर थोड़ा भी पता करना चाहेंगे वो देखेंगे नहीं कांग्रेस अपॉर्चुनिस्ट है, क्योंकि जब आप खुद ही स्टे नहीं कर रहे हैं एज ए मेन स्ट्रीम पार्टी तो आपके लिए वोट कौन देगा? जहां तक हमारी बात है, देखिए सरकार बने न बने इतनी अप्रत्याशित जीत नॉर्थ ईस्ट में जो हो रही है बीजेपी की, हर जगह हम सब्सटेंशियली प्रेजेंट हैं, बीजेपी के बारे में लोग सोचते तक नहीं थे कि नॉर्थ ईस्ट और बीजेपी कभी कोई सोच नहीं सकता। हमें खुशी है कि बीजेपी के कारण नॉर्थ ईस्ट जो है पॉलिटिकल नैरेटिव मेन स्ट्रीम जो कंट्री का उसका एक पार्ट बना है, सारे चैनलों पर है और इसका मेन फैक्टर बीजेपी है, नहीं तो कोई नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचता ही नहीं, चलो या तो लेफ्ट जीतेगा त्रिपुरा या तो कांग्रेस जीतेगी या कोई और रीजनल पार्टी जीतेगी, कभी बीजेपी जीत पाएगी कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये आपने पिछले बार भी देखा कि मणिपुर में थोड़ा अपडेट दे दीजिए, त्रिपुरा में सीपीएम स्पष्ट बहुमत से आगे निकलती दिख रही है, 33 सीपीएम को है और बीजेपी गठबंधन 26 पर है कोई भी, लेकिन त्रिपुरा में लेफ्ट का गठबंधन आगे हो गया है, बीजेपी काफी पिछड़ गई है। पड़ता देखिए, मैंने आपको बताया कि हम सरकार बनाते हैं नहीं बनाते इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हमने धक्का नहीं दिया, हिला के रख दिया है, क्योंकि त्रिपुरा लेफ्ट का लास्ट बेस्टियन था। अगर लेफ्ट का जो आइडियोलॉजिकल फाइट होना है वो हमारे साथ होना है,
हरा नहीं पा रहे हैं आप इतना करने के बाद? हारेगी देखिए, केरला में सभी तरह के अलायंस के साथ, वेस्ट बंगाल से उखड़ी चुके हैं, एक त्रिपुरा बचा था वहां पर भी हम सब्सटेंशियली आ चुके हैं, आज नहीं तो कर उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। नागालैंड में भी आप नेक टू नेक चल रहे हैं, वहां पर ऐसा लग रहा है कि नागालैंड में भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, वहां पर दूसरा गठबंधन भी आगे होते जा रहा है। देखिए, जब तक कांग्रेस बहुत तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ती है, अपने आप पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बीजेपी के चांसेस हमेशा अच्छे होंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रति नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आता हूं। संजय जी हमारे साथ मेहमान तो हैं, हेमंत विश्वकर्मा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। दैट रिजल्ट इज एनकरेजिंग, सो आई एम होपफुल एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी विल फॉर्म गवर्नमेंट इन त्रिपुरा। तो हेमंत विश्वकर्मा को अभी भी भरोसा है कि बीजेपी वहां त्रिपुरा में सरकार बना लेगी, लेकिन आप आंकड़े देखिए, आंकड़े बदल रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन 26 पर रुक गई है और सीपीएम 33 पर है, जो कि स्पष्ट बहुमत के लिए जो 30 का आंकड़ा था उससे 3 ज्यादा है। मेघालय में आप देखिए, कांग्रेस 20 पर पहुंच गई है और वहां पर भी स्पष्ट बहुमत के लिए आंकड़ा 30 का है, यानी सिर्फ 10 सीट पीछे है। और नागालैंड में आंकड़ा बदल गया है, एनपीएफ जो मौजूदा वहां पर सरकार चला रही है वो अब 29 पर है, यानी उसे सिर्फ 2 सीटें और चाहिए सरकार बनाने के लिए। और बीजेपी गठबंधन जो है वो 23 पर आ गई है और कांग्रेस 2 और अन्य 2, यानी अनुज जी एक तरीके से तस्वीर बदलती दिख रही है। जो शुरुआत में बीजेपी ऐसा लग रहा था तीनों राज्यों में सरकार बना लेगी, अब वो तस्वीर नहीं लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल, तीनों ही राज्यों में तस्वीर बदल गई है। मेघालय अभी भी कहना मुश्किल है किस तरफ जाएगा, लेकिन नागालैंड और त्रिपुरा ये इन दोनों में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, स्पष्ट है। अजय जी आपको अभी उम्मीद है कि ये तस्वीर बदलेगी? मैंने शुरू में भी कहा था कि सीपीएम की सरकार त्रिपुरा में निश्चित तौर पे बनेगी, जब आपने हमसे बेट लगाने की बात की थी। लेकिन जहां तक नागालैंड की बात है, नागालैंड का जो तस्वीर बदला है और जिस तरह की परिस्थिति दिख रही है, ये स्पष्ट लग रहा है कि अब नागालैंड में भी बीजेपी को बहुमत के करीब जाने में मुश्किल होगा। हाँ, मेघालय एक अभी भी फैक्टर बना हुआ है, लेकिन मेघालय में जिस तरह की परिस्थिति है उसमें लगता है अदर्स 11 जो दिख रहे हैं वो अदर्स 11 में अब देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी टीम है, लेकिन वहां भी अब सरकार बनाने के करीब बीजेपी नहीं है। लेकिन बावजूद इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि अगर मेघालय में आप देखिए कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला और बीजेपी एनपीपी साथ आ सकते हैं, तो 20 का आंकड़ा उनका भी मान के पास भी है। तो अन्य जो है वो आप कह रहे हैं कि एक मेजर फैक्टर होगा अब मेघालय की राजनीति को डिसाइड करने के लिए। और अन्य में निश्चित तौर पर जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत होती है इस तरह की। मेघालय में अभी एक चीज और देखिए कि 51 सीटों के नतीजे या रुझान हमारे पास है, यानी अभी 8 सीट का हमको नहीं पता है कि वहां क्या तस्वीर है, तो वो तस्वीर अभी बदलेगी। लेकिन एक और बात अनुज जी, कि जिस तरीके से मेघालय में जो मुख्यमंत्री हैं मुकुल संगमा, वो खुद 2 सीट पर लड़ रहे थे, तो क्या ये भी दिखाता है कि थोड़ा वो भी संशय है? 2 सीट पर वो लड़ रहे हैं, 1 सीट से उनकी पत्नी विधायक है, 1 सीट से उनके भाई विधायक है, तो परिवार वो 4 सीटों पर है। यदि वो चारों सीटें आ रही तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, यानी फिर 58 की विधानसभा हो जाएगी, मगर वो सरकार बनने के बाद होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनका एक डर भी दिखाता है कि आप मौजूदा मुख्यमंत्री होके नहीं, मुझे लगता डर नहीं था वो। हाँ, वो एक अधिक सीट को कब्जा करने की स्ट्रेटजी थी वो। चलिए, एक 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 और अपडेट आ गया है, सीपीएम 32 पर हो गई है और कांग्रेस बीजेपी गठबंधन 1 सीट बढ़ गई है 27 पर। यानी ये स्थिति वो है कि कोई नहीं कह सकता कि किसकी सरकार कहां बनने जा रही है, त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में। अभी भी आंकड़े बदल रहे हैं, अभी भी तस्वीर बदल रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं एक छोटे